हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज आवर। आई एम शिवम पांडे एंड टुडे विल टॉक अबाउट ओवरव्यू ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या है, कहाँ से लिया गया है, इसके साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा पार्ट फंडामेंटल राइट की बात करता है एंड कॉन्स्टिट्यूशन हमें कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है, ये सारी बातें एंड फंडामेंटल राइट्स का पूरा ओवरव्यू इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जन जाइए नॉलेज आवर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा, हमने DU LLB BHU LLB एंड क्लैट के लिए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड्स पे क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। सो अगर आप चाहें तो हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा DU LLB एंड BHU LLB का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहता है और हमारे मैक्सिमम बच्चे सेलेक्ट हो ही जाते हैं इन जस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट। सो अगर आप हमारी ट्रायल क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए एंड फिल द गूगल फॉर्म एंड हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स की अगर मैं बात करूं, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट फंडामेंटल राइट। पार्ट 3 हमारे संविधान का फंडामेंटल राइट्स की बात करता है और इस पार्ट 3 में आर्टिकल 12-35 स्पेसिफिकली फंडामेंटल राइट्स को डिवोट किए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, देखिए फंडामेंटल राइट्स कुछ बेसिक राइट्स होते हैं जो हर एक ह्यूमन को मिलने चाहिए, लेकिन जैसे कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, इसी हिसाब से कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो स्पेसिफिकली सिटीजन्स को मिलते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो सिटीजन एंड नॉन सिटीजन दोनों को मिलते हैं। तो वो कौन से ऐसे राइट्स हैं जो स्पेसिफिकली सिटीजन्स को मिलते हैं, चलिए उसके बारे में आपको बताता हूं। देखिए आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये पांच ऐसे राइट हैं जो एक्सक्लूसिवली केवल और केवल सिटीजन्स को ही मिलेंगे। इसके साथ साथ राइट टू बिकम प्रेसिडेंट, राइट टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, अटॉर्नी जनरल, गवर्नर, राइट टू वोट एंड MP MLA बनने का अधिकार, ये केवल और केवल सिटीजन्स को ही मिलता है। इसके साथ साथ बाकी अदर राइट्स जैसे आर्टिकल 21 में आपको दे रखा है राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21A में दे रखा है राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 14 में दे रखा है एंड सो ऑन, बाकी सारे राइट्स सिटीजन और नॉन सिटीजन इन दोनों को ही मिलते हैं। अभी कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं फंडामेंटल राइट्स के, तो ये जो कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल राइट का, ये बोरो किया गया है US कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से और भी कई सारी चीजें ली गई हैं, लेकिन इसमें से फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमने US से लिया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में और अदर थिंग्स बताएंगे जो हमने US से बोरो किया है इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। सो फंडामेंटल राइट्स जो है उसे मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं, क्योंकि चार्टर ऑफ राइट्स, मीनिंग ऑफ मैग्ना कार्टा इज चार्टर ऑफ राइट्स। क्यों, क्योंकि जो पार्ट 3 है वो केवल और केवल राइट्स की ही बात करता है, वो राइट्स जो हर सिटीजन को या फिर नॉन सिटीजन को मिलते हैं। सो इसलिए पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज चार्टर ऑफ राइट्स। आगे मैं बढ़ूं तो सवाल आता है कि क्या फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद ही इनकॉर्पोरेट हुए हैं या US से ही हमने बोरो किया है। तो देखिए, जो फंडामेंटल राइट है ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसने हमारी आजादी की लड़ाई में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमें हमारे मौलिक अधिकार नहीं देते थे और शायद इसी को पाने के लिए हमने इतनी बड़ी स्ट्रगल को अंजाम दिया और हमें आजादी मिली। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली एक रेजोल्यूशन लेके आती है अपने कराची सेशन में। कराची सेशन होता है उनका 1931 में, 1931 में, और एक ऑफिशियली वो एक रेजोल्यूशन लेके आती है ऑन फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट इतना इंपॉर्टेंट है कि ऑफिशियली वो रेजोल्यूशन लेके आती है और उस कराची सेशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो आगे जाके एडवाइजरी कमेटी जो बनती है फंडामेंटल राइट के, उसके चेयरमैन भी बनते हैं इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कमिटीज में। कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बन रहा होता है तो फंडामेंटल राइट के लिए स्पेसिफिकली एक सब कमिटी को बनाया जाता है, गठित किया जाता है, जिसके चेयरमैन जो होते हैं वो JB कृपलानी साहब होते हैं। कौन होते हैं, JB कृपलानी होते हैं। अच्छा, जितना मैंने आपको अभी तक बताया ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं बात करता हूं फंडामेंटल राइट्स की जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। तो देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें 6 टाइप के फंडामेंटल राइट्स देता है, 6 टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में 5 राइट्स आपको मिलते हैं। राइट टू इक्वालिटी में यू गेट 5 राइट्स
फर्स्ट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, एंड ऐसे ही आपको पांच अधिकार मिलते हैं। अब मैं उसके बाद बात करूं, सेकेंड राइट जो हमें मिलता है वो मिलता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम एक ऐसा अधिकार है, लिबर्टी इज अ थिंग जिसके लिए हमने अपनी पूरी स्ट्रगल को अंजाम दिया, अपनी फ्रीडम की स्ट्रगल को। राइट टू फ्रीडम में आपकी राइट टू लाइफ भी आती है, आर्टिकल 19-22 में, एंड आर्टिकल 21 इसमें बात करता है राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। इसके बाद हमें जो तीसरा फंडामेंटल राइट मिलता है वो मिलता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23-24 की बात करता है, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट। व्हाई आई एम सेइंग इट, वो इसलिए क्योंकि इसके थ्रू आप फोर्स लेबर नहीं करवा सकते। इन सारे राइट्स को मैं डिस्क्राइब करूंगा अच्छे से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ साथ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमारा देश एक सेकुलर देश है, एक पंथ निरपेक्ष देश है, इसलिए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज अ फंडामेंटल राइट जो बहुत ही अनिवार्य हो जाता है हमारे मौलिक अधिकारों में रखना। इसलिए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25-28 इसकी बात करता है। नेक्स्ट राइट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट, और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि ये माइनॉरिटीज के कल्चर को प्रोटेक्ट करता है। यहां पे लिंग्विस्टिक बेसिस पे माइनॉरिटी, इसके साथ साथ रिलीजियस बेसिस पे माइनॉरिटी, दोनों की बात हुई है, एंड इसके बारे में आर्टिकल 29 और 30 इसके बारे में डिस्क्राइब करता है। नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल 32। अब मान लीजिए इनमें से कोई भी आपका राइट एनफोर्स नहीं हो पा रहा है किसी ना किसी कारण की वजह से, तो आप क्या करेंगे? तो आप आर्टिकल 32 के तहत राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी लेने का भी अधिकार मिल जाता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने आर्टिकल 32 में स्पेसिफिकली आपको ये रेमेडीज दे रखी हैं। इस रेमेडी के तहत आपको पांच रिट्स मिलती हैं, पांच रिट्स, हैबियस कॉर्पस, मेंडिमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी एंड क्वो वरंटो। ये पांच रिट्स आपको मिलती हैं। ये पांच रिट क्या है ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो अगर आपको हमारे साथ तैयारी करनी है तो जल्दी से दिए हुए नंबर्स में हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, इसके साथ साथ गूगल फॉर्म भरिए ताकि हम आप तक पहुंच सकें। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड, प्लीज वॉच द वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।